For more delicious recipes, subscribe Sara's Kitchen. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सारास किचन। और आज अपने किचन में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त एक ड्रमस्टिक्स की रेसिपी है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक ड्रमस्टिक्स की रेसिपी शेयर की थी, वो भी आपने बहुत पसंद की थी। इंशाल्लाह ताला ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, यहाँ पर मैंने 1/2 kg ड्रमस्टिक्स ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के इसका पानी अच्छी तरह से खुश किया है। और बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं मेरे पास, यहाँ पे दही है मेरे पास तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही है, 2 टेबलस्पून सिरका है मेरे पास, 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, ज़ीरा पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, नमक जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून क्योंकि सोया सॉस में भी है और अभी जो कोटिंग हम करेंगे उसमें भी जाएगा नमक। और यहाँ पे धनिया पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून। तो पहले मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के साथ लगा दूँगी, मैरिनेशन करूँगी इसकी, फिर इसकी कोटिंग जो है बाद में हम तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैं ये ड्रम स्टिक्स इसमें डाल दूँगी सारी। अब इसमें दही ऐड करूंगी, सिरका जाएगा इसमें, सोया सॉस जाएगी, लहसुन अदरक की पेस्ट और ये जो मसाले मैंने आपको बताए हैं ये सारे इसमें जाएंगे। तो अच्छी तरह से इसके ऊपर हम ये लगा देंगे मसाले अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने तमाम मसाले ड्रमस्टिक्स को अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसकी मैरिनेशन ऊपर जो कोटिंग करेंगे हम वो हम इसकी तैयार करते हैं। तो अभी इसको आधा घंटा छोड़ देंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे चिकन को रखे हुए तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, आप इसको 1 घंटा भी रेस्ट दे सकते हैं और 2 घंटे के लिए भी। तो मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा ही रेस्ट दिया है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी कुकिंग करेंगे और फिर इसकी हम कोटिंग करेंगे तैयार। तो यहाँ मैंने चूल्हे पे बर्तन को रखा है गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। अब इसमें मैं ज़ीरा 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी, ज़ीरा इसमें थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो मैंने लेग पीस इनको लगा के रखा था दही में ये डाल दूँगी इसमें। इनको मैं थोड़ा सा इसमें हिला लूँगी इस तरह से, हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ऑयल तो इसमें बहुत ही थोड़ा डालना है आपने, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, उसी में इसको थोड़ी देर हिला लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से इसी तरह हिलाती रहूँगी। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो इसमें दही बचा हुआ है ये मैं इसमें डाल दूंगी। तमाम दही इसमें डाल के इसको मैं हल्की आंच पे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, ये गल भी जाए। इसमें थोड़ा बहुत जो मसाला लगा है इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के ये भी इसमें डाल देंगे। तो जितनी देर हमारी चिकन जो है वो टेंडर होती है इतनी देर में हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लेमन का जूस लिया है। यहाँ पे जो मसाले हैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, तकरीबन 1 से 2 चुटकी हल्दी है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है,
1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, मैदा है यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून, और बेसन भी 1 टेबल स्पून है। तो इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, बेसन और मैदा है, ये लेमन जूस है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च वगैरह ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो बैटर हमारा रेडी है। अब जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए तो फिर इसको ठंडा करके फिर इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन में काफ़ी ज़्यादा पानी, जो दही ने अपना पानी छोड़ दिए, तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिर इसको मैं निकाल के ठंडा करूँगी, फिर इसकी कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, और मसाला भी इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। नीचे जो है वो मसाला है वो इसी के ऊपर मैं कोटिंग कर दूँगी, इसको मैं ठंडा कर लूँ, फिर इसकी मैं नेक्स्ट जो हम करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रम स्टिक्स जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। अब ये जो कोटिंग मैंने तैयार की थी इसमें मैं ये ड्रम स्टिक्स शामिल करूँगी। और इसका ये जो मसाला है ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से मैं कोट करूँगी, ये तमाम चीज़ें चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट करेंगे। तो ये कोटिंग हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी इनको मैं फ्राई करूँगी। तो ये जो ड्रम स्टिक्स हम बना रहे हैं इस तरह, ये अगर आप रमज़ान में बनाना चाहें या किसी अपनी दावत में बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि एक दिन पहले इसी तरह से इतना ही इसको रेडी करके रख लें, और जब भी आपने बनाना हो उसी वक्त इसको निकाल लें और फ्राई कर लें। फ्रीज़ नहीं करना आपने, जैसे अगर आपने एक दिन पहले बना के रख लें इसको रात में, और अगले दिन इसको आप इसी तरह से फ्राई कर लें। और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ये जो कोटिंग वाला काम है ये ना करें, इसको इसकी जितनी कुकिंग हमने की थी उतना प्रोसेस करके इसका मैरिनेशन करके इसको पका लें, गला लें, और उसके बाद इसको फिर इसी तरह से फ्रीज़ कर दें अलहदा अलहदा से रख के। फिर जब भी आपने इनको बनाना हो तो पहले निकाल लें, घंटा पहले निकाल के बाहर रखें, और इसी तरह से ये जो कोटिंग मैंने तैयार की थी ये सारी कोटिंग बना के और इसको आप फ्राई कर सकते हैं। फिर इस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, वरना ये कोटिंग करके ना फ्रीज़ करें। तो ये जब आपने करनी हो साथ ही साथ इसको करें। तो यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे, बस गर्म होना चाहिए, फिर हम इसमें ड्रम स्टिक्स को शामिल करेंगे। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब इसमें ड्रम स्टिक्स को शामिल करेंगे। आँच को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम आँच पे इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। दोनों साइड से अच्छा सा कलर हम इसको लेके आएंगे, क्योंकि ड्रम स्टिक्स जो हैं वो पकी हुई हैं पहले ही, सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर हमने जो है इसको देना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रम स्टिक्स को बहुत अच्छा कलर आ चुका है। ये देखिए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये लीजिए, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त ड्रम स्टिक बन के तैयार हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इनको रमज़ान में भी बनाएं और वैसे भी बनाएं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।